जब हम क्लास 10 से क्लास 11 कॉमर्स में एडमिशन लेते हैं तो हर क्लास 11 के कॉमर्स की स्टूडेंट के माइंड में क्वेश्चन होता है कि क्या अब मैं क्लास 11 कॉमर्स में मैथ्स का सब्जेक्ट लूं या फिर ना लूं, मैथ्स चूज करूं या इकोनॉमिक्स चूज करूं। अगर मैंने क्लास 12 के बाद सीए करना है तो क्या मेरे पास क्लास 11 और क्लास 12 में मैथ्स होना कंपल्सरी है? अगर मैंने क्लास 11 क्लास 12 कॉमर्स में मैथ्स नहीं लिया तो क्या आगे मेरे पास कोई करियर अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगी? जब हम क्लास 10th के बाद क्लास 11th कॉमर्स में एंटर करते हैं तो हर एक कॉमर्स की स्टूडेंट के माइंड में बहुत सारे कन्फ्यूजन, डाउट्स और बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। सो इन दिस वीडियो आई एम गोना आंसर ऑल ऑफ योर क्वेरीज रिगार्डिंग दिस। दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर ऑल द कॉमर्स स्टूडेंट्स, इधर इफ यू आर इन क्लास 11 कॉमर्स और इन क्लास 12 कॉमर्स। So hi everyone, I am Shruti Sharma. Welcome you all to my channel CompTutors. This is a student special video and in this video I am going to talk about should we choose mathematics subject in class 11 commerce or not, and is our career affect if we don't take mathematics in class 11 or class 12 commerce. Okay, तो चलिए students start करते हैं हमारा आज का session. But before proceeding to this session, if you are a new visitor on this channel, then please do subscribe my channel and also click on the bell icon and turn on the notification so that whenever I upload tutorials, you will stay notified. So now let's start today's session. नंबर वन थिंग इज दिस कि बहुत सारे कॉमर्स की स्टूडेंट के माइंड में एक मिथ बना हुआ है और उनको ये डाउट भी है कि अगर हम कॉमर्स करेंगे विदाउट मैथमेटिक्स तो उस कॉमर्स की कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए कॉमर्स में मैथ्स लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मैंने कॉमर्स में एडमिशन ले लिया और मेरे पास मैथ्स ना हुआ तो सभी लोग मुझे बोलेंगे कि तुमने कॉमर्स तो ले लिया लेकिन कॉमर्स में मैथ्स तो लिया नहीं, तब तुम्हारे कॉमर्स की वैल्यू जीरो है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचकर मैथ्स लेते हैं बिकॉज उनको लगता है कि बिना मैथ्स के कॉमर्स की कोई वैल्यू नहीं है। सो लिसन, आप लोग क्लास 11 क्लास 12 कॉमर्स में मैथ्स लेते हैं, दैट्स टोटली योर विश, दैट्स योर चॉइस। आप लोग मैथ्स नहीं लेते, दैट्स ऑल्सो योर विश। मैथ्स इसलिए लेना है बिकॉज आपको मैथ्स अच्छा लगता है एंड ऑल्सो यू हैव अ गुड कमांड ऑन मैथमेटिक्स एंड आपका मैथ्स में इंटरेस्ट है, इसलिए मैथ्स लेना, ना कि इस रीजन की वजह से कि अगर आप लोग मैथ्स नहीं लेंगे तो उससे आपके कॉमर्स की जो वैल्यू है वो जीरो हो जाएगी। एक चीज मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं कि अगर आप लोग क्लास 11 क्लास 12 कॉमर्स में मैथ्स लेते हैं तो इससे ना ही आपके कॉमर्स की वैल्यू इंक्रीज होती है और ना ही आपके कॉमर्स की वैल्यू डिक्रीज होती है। मैथ्स लेना या ना लेना, दिस डिपेंड्स अपॉन यू, दिस डिपेंड्स अपॉन योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, नॉट इन दिस कि अगर आप लोग मैथ्स नहीं लेंगे तो आगे आप जीरो हैं, ये टोटली मिथ है। ओके, नंबर सेकंड थिंग इज दिस कि लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव दिस कंफ्यूजन इन देयर माइंड दैट इफ दे डोंट चूज मैथमेटिक्स सब्जेक्ट इन क्लास 11 और क्लास 12 कॉमर्स देन दे हैव वेरी लेस करियर अपॉर्चुनिटीज इन फ्यूचर और मे नॉट हैव एनी करियर अपॉर्चुनिटीज इन फ्यूचर, इज ऑल्सो वन ऑफ द मिथ। आप लोग क्लास 11 क्लास 12 कॉमर्स में मैथ्स लेते हैं इससे आपके करियर पर 1% अफेक्ट नहीं पड़ता। अगेन सेइंग कि बहुत रेयर कोर्सेज ऐसे होते हैं जहां पर मैथमेटिक्स की नीड है, वो ऐसे कोर्सेज हैं अगर आपको कोई मैथमेटिक्स में स्पेशलिस्ट कोर्सेज करने हैं या आपको स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स करना है या आपको फाइनेंशियल एनालिस्ट की कोर्सेज करने, ये 3-4 बहुत रेयर कोर्सेज हैं जहां पर मैथ्स की रिक्वायरमेंट होती है क्लास 11 क्लास 12 में। उसके अलावा जितने भी कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए करियर ऑप्शंस होते हैं उनमें मैथ्स का कोई खास रोल नहीं होता है। सो दिस इज टोटली द मिथ कि अगर आप लोगों के पास क्लास 11 क्लास 12 कॉमर्स में मैथ्स नहीं होगा तो आपके लिए कोई करियर अपॉर्चुनिटी नहीं होगी, नो वन विल हायर यू, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, नंबर थर्ड थिंग इज दिस, lot of students have this doubt also in their mind that if they want to pursue CA after class 12 then they must have mathematics in class 11 or class 12 commerce. So this is also one of the myth. CA करने के लिए ऐसी कोई condition नहीं है कि आपके पास class 11 और class 12 commerce में maths होना mandatory है,
ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बिना मैथ्स के भी सीए कर सकते हैं और मैथ्स के साथ भी सीए कर सकते हैं। सिर्फ जब आप लोग सीए के लिए एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, जो आपका सीपीटी होता है यानी कि कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट, वो जब आप देते हैं उसमें सिर्फ आपका मैथ्स होता है। बट अगेन वो कोई पर्टिकुलरली क्लास 11 क्लास 12 वाला मैथ्स नहीं होता, वो आपका बेसिक, वो आपका स्टैंडर्ड मैथ्स होता है जो आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड चेक करने के लिए होता है, जो आपके कैलकुलेटिव स्किल्स चेक करने के लिए होता है, जिसमें आपके क्वेश्चन आते हैं रिगार्डिंग रेशियोज एंड proportions, probability, index number, quadratic and cubic equations, set functions and relations, इस तरह का maths जो आपके quantitative aptitude में आता है CPT में, okay? उसके बाद पूरी CA में आपकी maths का कोई खास role नहीं होता। तो अगर आप लोग ये सोचकर maths का subject choose कर रहे हैं कि आपको आगे CA करने से आपके पास maths होना compulsory है, तो ये कोई logic नहीं है। Again I am saying कि अगर आपको maths में interest है and also if you have a good command on mathematics, then you can choose maths. Otherwise ऐसी कोई ये जो मिथ्स क्रिएट कर गए, इनकी वजह से मैथ्स लेने का कोई फायदा नहीं है। और इसके साथ साथ सीए के अलावा जितने भी कोर्सेज होते हैं कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए, जैसे कि सीएस, सीएमए, होटल मैनेजमेंट, लॉ, ट्रेवल एंड टूरिज्म, फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, बीकॉम, बीबीए, एमकॉम, एमबीए, बीए, बीसीए, जितने भी कोर्सेज होते हैं कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए, इनमें आप फ्रीली एनरोल कर सकते हैं विदाउट मैथमेटिक्स ऑल्सो। सो यू नो नीड टू वरी अबाउट दिस थिंग कि अगर आप लोगों के पास क्लास 11 क्लास 12 में मैथ्स नहीं होगा तो आपके पास आगे कोई ऑप्शन नहीं है, आप लोग आराम से सीए भी कर सकते हैं और आप लोग आगे हर फील्ड में जो अप्लाई कर सकते हैं। अगेन कुछ एक्सेप्शनल कोर्सेज हैं जहां पर आपको मैथ्स की रिक्वायरमेंट होती है और वो बहुत फ्यू कोर्सेज हैं। अगर आपने उन कोर्सेज में जाना है देन यू हैव टू टेक मैथमेटिक्स इन क्लास 11 और क्लास 12 कॉमर्स, अदरवाइज देयर इज नो नीड टू चूज मैथमेटिक्स इन क्लास 11 और क्लास 12। ओके, उसके बाद नंबर फोर्थ, हमें मैथ सब्जेक्ट चूज करना चाहिए या फिर इकोनॉमिक्स। देखो कुछ स्कूल में ना मैथ्स और इकोनॉमिक्स में चॉइस होती है और कुछ स्कूल में इकोनॉमिक्स कंपलसरी होती है और मैथ्स, फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर्स एंड म्यूजिक में चॉइस होती है। तो पहले हम मैथ्स और इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। अगर आप लोगों के स्कूल में मैथ्स और इकोनॉमिक्स में चॉइस है देन आपको हमेशा फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो इकोनॉमिक्स को ही देनी चाहिए। वाई? बिकॉज इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको क्लास 11 क्लास 12 कॉमर्स में तो है ही, उसके अलावा आप बीकॉम, बीबीए, एमकॉम, एमबीए जो भी कोर्सेज करेंगे उसमें हर जगह आपको इकोनॉमिक्स मिलेगी ही मिलेगी। इसके साथ साथ अगर आप लोग सीए भी करेंगे तो सीए में भी इकोनॉमिक्स होती है। सीए में मैथ्स का कोई खास रोल नहीं होता बट सीए में इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है। ओके, बेसिकली कॉमर्स इज ऑल अबाउट अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, ऑडिटिंग, लॉ, फाइनेंस, मार्केटिंग, मैनेजमेंट। सो कॉमर्स इज ऑल अबाउट दीज थिंग्स, नॉट अबाउट मैथमेटिक्स। सो हाउ कैन यू स्किप इकोनॉमिक्स? हम इकोनॉमिक्स नहीं छोड़ सकते बिकॉज इकोनॉमिक्स इज अ पार्ट ऑफ कॉमर्स फील्ड। चाहे आप लोग मैथ्स लें बट मैथ्स के साथ इकोनॉमिक्स को भी जरूर लेना है बिकॉज इकोनॉमिक्स ऐसे आपको आगे फ्यूचर में बहुत काम आएगा। इनफैक्ट आगे अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्जाम्स देते हैं तो उसमें भी आपको इकोनॉमिक्स मिलते हैं। चाहे आप सिविल सर्विस के एग्जाम्स देते हैं, यूपीएससी के, आप स्टेट के एग्जाम्स देते हैं, जो आप बैंकिंग के भी एग्जाम्स देंगे अपनी फील्ड के रिगार्डिंग, उसमें भी आपको इकोनॉमिक्स जो है वो मिलती है। ओके, तो अगर आप लोगों के स्कूल में मैथ्स और इकोनॉमिक्स में चॉइस है तो आप लोगों को फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो इकोनॉमिक्स को देनी चाहिए। क्लियर? उसके बाद अगर आप लोगों के स्कूल में इकोनॉमिक्स कंपलसरी सब्जेक्ट है फिर तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आप लोगों के स्कूल में चॉइसेस में है मैथमेटिक्स, फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर और म्यूजिक, तो इस केस में आपका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, आप लोग वो चूज कर सकते हैं। बट अगेन आई एम सेइंग कि जिसमें आपका इंटरेस्ट है, ना कि आपका फ्रेंड क्या कह रहा है या आपके रिलेटिव्स क्या कह रहे हैं या आपके पड़ोस वाले आंटी अंकल क्या कह रहे हैं, उनके प्रेशर में आके आपने कोई सब्जेक्ट जो है वो चूज नहीं करना। ठीक है, अगर आप लोग मेरी इस केस में पर्सनल एडवाइस मांगते हैं कि अगर आपके पास मैथ्स, फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर, म्यूजिक के सब्जेक्ट्स हैं तो इस केस में मैं कौन सा सब्जेक्ट चूज करना चाहिए, तो मेरी पर्सनल एडवाइस यही रहती है कि अगर आप लोगों का मैथ्स अच्छा नहीं है तो ऑलवेज गो फॉर फिजिकल एजुकेशन और म्यूजिक। वाई? बिकॉज इसमें आप लोगों को जो नंबर है वो बहुत आसानी से मिल जाते हैं और इतनी ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, और इसकी वजह से क्या होता है, अपने अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स पे ज्यादा फोकस कर पाते हैं और इससे आपकी परसेंटेज भी इंक्रीज होती है। ठीक है, वहीं अगर आप लोग मैथ्स लेना चाहते हैं इस केस में भी तो आप ले सकते हैं। दैट्स गुड थिंग कि मैथ्स में आपका इतना अच्छा इंटरेस्ट है, आप ले सकते हैं मैथ्स। बट अगेन कि अगर आप लोग मैथ्स भी ले रहे हैं और इकोनॉमिक्स भी ले रहे हैं
तो इस केस में आप लोग अपने सब्जेक्ट्स में एक बैलेंस जो है वो जरूर मेंटेन करके रखें, बिकॉज अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज एक जगह, मैथमेटिक्स एक जगह, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, या तो वो मैथ्स पे सारा दिन फोकस करते हैं या फिर अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स पे फोकस करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है उनकी परसेंटेज जो है वो डिक्रीज हो जाती है। तो अगर आप लोग मैथ्स और इकोनॉमिक्स भी लेते हैं तो इस केस में अपनी स्टडी को अच्छे तरीके से करें, प्रॉपर एक बैलेंस मेंटेन करके रखें, ताकि कोई भी सब्जेक्ट जो है वो आपका ना रहे। ओके, एंड अगेन आई एम सेइंग कि मैथ्स तभी लीजिए अगर उसमें आपका इंटरेस्ट है, एंड इफ यू ऑल्सो हैव अ गुड कमांड इन मैथमेटिक्स। किसी के चक्कर में आके, किसी जोश में आके मैथ्स का सब्जेक्ट चूज मत करिए, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं जोश जोश में ना क्लास 11th में मैथ्स तो ले लेते हैं, बिकॉज इतनी गाइडेंस भी नहीं होती, तो जो हमें लोग कहते हैं बहुत जल्दी बिलीव कर लेते हैं, और फिर क्या होता है उनके उनसे मैथ्स हो नहीं पाता, फिर वो क्लास 12th में आके अपनी मैम से रिक्वेस्ट करते हैं कि मैम प्लीज हमारा मैथ्स का सब्जेक्ट काट दो, हमसे नहीं हो पा रहा। तो इसलिए आई एम गाइडिंग यू हेयर कि अगर आपका इंटरेस्ट है तभी लीजिए, अदरवाइज ये सोचकर मत लीजिए कि अगर आपको सीए करना है तो मैथ्स लेना मैंडेटरी है, या अगर आप लोग मैथ्स नहीं लेंगे तो कॉमर्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी, या अगर आप लोग मैथ्स नहीं लेंगे तो आपके पास कोई करियर अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगी। इन सब चीजों को वजह से मैथ्स लेने की कोई नीड नहीं है, बिकॉज ये सारे के सारे जो वो मिथ हैं। ओके, सो आप फ्री माइंड होकर जिसमें आपका इंटरेस्ट है और फ्यूचर में आपने जिस पर्टिकुलर लाइन में जाना है उसको ध्यान में रखते हुए ही आप लोग सब्जेक्ट्स जो है वो चूज करें, ना कि किसी के प्रेशर में आकर। ओके, सो आई होप आप लोग की जो भी क्वेरीज थी रिगार्डिंग दिस वो क्लियर हो गई होंगी, एंड स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन इन योर माइंड, यू कैन जस्ट आस्क योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ओके, दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन, एंड इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू देन प्लीज डू हिट द लाइक बटन, एंड ऑल्सो डू शेयर योर वैल्यूएबल फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन, एज योर फीडबैक रियली मैटर्स अ लॉट। एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट, प्लीज डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, विद योर क्लासमेट्स, विद योर जूनियर्स एंड विद योर सीनियर्स, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, एंड आई थिंक ये वीडियो जो हर कॉमर्स स्टूडेंट तक जब पहुंचने चाहिए, ताकि हर स्टूडेंट को सही टाइम पर सही डायरेक्शन जो है वो मिले। ओके, सो नाउ दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन। ओके, एंड लास्ट में गाइस, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, स्टडी स्मार्ट एंड स्टे मोटिवेटेड।